Hey guys, कैसे हाल तुम्हें? और आज मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क. और सबसे पहले सॉरी क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत मतलब मुझे लग रहा है मन मन के बाद आ रहा है, बट मैं सोच ही रही थी मैं क्या बनाऊँ और आने के बाद थोड़ा शेड्यूल भी बिजी था. और मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे लगा कि मेरी फ्लाइट कल है, कल रात को, मतलब जैसे कि आज मेरी फ्लाइट है रात के 1:30 बजे. सो मुझे लगा था 7 के रात को निकलना है और मैं 8 को पहुंचूंगी, पर न्यूयॉर्क 15 मतलब हम पीछे है ना निशी, आगे या पीछे जो भी है मुझे भी नहीं अभी पता. सो वैसा है तो अगर मैं कल एयरपोर्ट जाती तो मेरी फ्लाइट तो आज की थी. ओ माय गॉड, मतलब कितना बड़ा नुकसान होता. और मैं जा रही हूँ बहुत अच्छी चीज के लिए, बहुत बड़े मतलब काम के लिए. सो आई एम हैप्पी. एंड मैं बहुत मतलब अभी लेट हो चुकी हूँ, मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे आधे घंटे में निकलना है. और मुझे आज दोपहर को ही पता चला कि मुझे आज निकलना है और मैं सोच रही थी कल. थैंक गॉड. यह है यूएस की करेंसी, आज मैंने फर्स्ट टाइम देखी यूएस करेंसी. ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम देखूंगी ना. तो गाइज मैं अभी निकल गई हूँ घर से. तो देखो मेरी लास्ट मोमेंट ये सारी पैकिंग है और मैं 3 बैग लेके जा रही हूँ. मैं हमेशा ही जाती हूँ और इस टाइम मेरी वो बैग थोड़ी खाली है, मतलब इस टाइम इतनी बैग ज्यादा भी भरी भरी नहीं है, ये तो पूरी खाली है जो मुझे आई है ब्रांड से. और यस अभी मैं निकल रही हूँ, आज मैं प्रॉपर मस्त लग रही हूँ, मस्त रेडी हुई हूँ. कल इसी टाइम पे मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी. चलो ये मुझे छोड़ने आ रहे हैं, लेट्स गो. ये दोनों नहीं आ रहे. सामान मेरा ए ती ग्रे बैग छबर काय ठेवू नका. सारे लोग आए छोड़ने, हम जा रहे बड़ी गाड़ी लेके. कैसे के हाथ चल रहे? निशी नहीं आ रहा है, बाकी सारे लोग आ रहे. ऑलराइट गाइस, बाय 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 बाय. नानी बैठी हो. तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं. मैं थोड़ा लेट ही, मतलब जल्दी ही है, बट मुझे पहले वो टेंशन होती है. सो यस चिट्टू. तो मैं हूँ अभी बिजनेस क्लास लाउंज में और यहाँ पे मैंने खाना अभी खाऊंगी. देखो आजू बाजू कितना मस्त है. मैं बिजनेस क्लास से तब गई थी जब मैं चिन्ना को फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में मिलने गई थी. थैंक यू सो मच, से हाई. सॉरी. और मैंने वहाँ पे खाना रखा था पर इन्होंने लेके आए. थैंक यू सो मच. सच में जो सुकून मिला है मैं बता नहीं सकती. एंड आई एम सो हैप्पी. यस चलो लेट्स गो, जर्नी स्टार्ट करते हैं. मैं मिलूंगी सीधा मॉर्निंग में. हेलो. यस हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट. यस या आई एम गुड, लेट्स गो. तो अभी हम पहुंचे हैं न्यू जर्सी एयरपोर्ट एंड मुझे मतलब यहाँ पे लेने आने वाले थे जो ब्रांड की तरफ से. सो मैंने उनका नाम नहीं पूछा. एक्सक्यूज मी, हाउ माय फ्रेंड, व्हाट्स योर नेम? एड. से हाय टू माय फॉलोअर्स. हेलो, हाउ आर यू? या दे ऑल आर गुड. ओके, तो ये मुझे लेने आए हैं एंड अभी हम जा रहे हैं होटल. सो बीच बीच में जो रसे, देखो बैग्स उन्होंने एक पकड़ी है, मैंने एक पकड़ी है. अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, काम है बहुत बड़ा, ऐसे जगह जगह लग रही है. बट हमेशा बाहर जाती हूँ तो आई एम मिसिंग चिन्ना. मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं चिन्ना को ही मिलने आई हूँ बट वो नहीं है यहाँ पे. बट हम दोनों यहाँ पे आने वाले थे सबसे पहले, मैं अकेले आई. नो वे, हम दोनों जल्दी आएंगे घूमने के लिए. चलो बाय. आई हूँ अभी रूम में और ये है मेरा रूम जहाँ पे मुझे मिले हैं सेटाफेल से सारी चीजें, इतनी सारी चीजें. ये है मेरा रूम. आई थिंक 5 डेज के लिए मुझे यहाँ पे आके सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट एक प्रॉब्लम है जो है कि
मैं क्या करूंगी अकेले, और मुझे आज का दिन ऑफ है। सो ये देखो रूम का व्यू देखो गाइज, हाउ इज इट, नाइस, मिसिंग यू चिन्ना। सो यस, मैं आ चुकी हूँ न्यूयॉर्क, पहुंच गई मतलब। तो मैंने आपको दिखाया मेरा रूम कैसा है, आपको पता भी चला होगा। एंड अभी मैं सुबह से सोच रही थी क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे कोई नहीं है, एंड नजर न लगे इसलिए मैं रोज लगाती हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पे कोई नहीं, आई मिस जिन्ना, वो होता या कोई भी होता तो मुझे अच्छा लगता। बट अभी मैंने ये ऐसे पहना है आउटफिट, मैंने इसका गेट रेडी बनाया, बट रील्स पे डालूंगी, आप जरूर देखना। और मैं सोच रही हूँ मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं न्यूयॉर्क क्या है वो टाइम स्क्वायर वो जगह पे जाऊं, या मैं मैकडोनल्ड जाऊं, दो में से एक है। क्योंकि यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, वो भी मुझे आज शाम को मिलने वाली है। सो मैं वही सोच रही हूँ दोनों में से एक चीज करूं, तो कौन सी करूं यार। चल निकलते हैं, बड़ा भी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का और मेरा रूम का व्यू एक बार। कलर येलो आपको दिख रहा होगा, एंड ये देखो ये क्या है, मुझे वो फ्लावर लग रहा है, फ्लावर होता है ना वैसे, वो थोड़ा आई डोंट नो ये क्या है, बट ऐसे ही कुछ है, शायद खाने का ही हो, आपको पता, मुझे पता ना, जिनको पता होगा, वरना बोलेंगे पता नहीं है, कुछ भी बोलती है। तो वैसे ही लग रहा है ना जो डिजाइन वाला आता है। होटल के नीचे आ गई, एंड मैं बहुत इधर उधर घूमी, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि अकेले होता है तो इंसान कर भी क्या सकता है। बट इट्स ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत मस्त है, एंड हर जगह पे जैसे बोल सकते हो ना, मेरा फैंटेसी है कि हर कंट्री में मुझे ना क्रॉस कर रही थी, हर कंट्री में मुझे ना मैकडोनल्ड्स में जाना बहुत मस्त लगता है। मुझे मैकडोनल्ड्स मिल चुका है एंड मैं जा रही हूँ। सामान लिया है मैंने मेरे लिए, पानी, बिकॉज यहाँ पे होटल्स में पानी नहीं होता, होता है तो वो अलग होता है, तो खुद के लिए एक बॉटल जरूरी है। और लाइन देखो इधर तक लगी है, प्लांट देखो क्या मस्त मस्त है। मैंने आज बोला था जैसे आपको कि मैं एक मेरे फ्रेंड से मिलने वाली हूँ और वो न्यूयॉर्क में ही रहती है, तो आप सब जानते होंगे। तो यस कृपा जोशी न्यूयॉर्क में, और मैं सच बोलूं यहाँ पे भी इनके, जब हम आज घूम रहे थे जैसे कि बहुत सारे लोग मिल रहे थे, और उनको जैसे उनके वीडियोस को, उनके कंटेंट को रिलेट करते हैं, तो आज उनका बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे अगेन। एंड आज सच बोलूं मैंने तो कुछ उनको गिफ्ट नहीं दिया, उन्होंने ही मुझे दिया, वो पीछे रखा है, मैं जाके होटल में दिखाऊंगी आपको। एंड यस अच्छा लगा बहुत, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा नीता से मिलके, आई स्वेर, मतलब मैं बर्थडे पे किसी से ना मिलूं, बट शी इज एक्सेप्शनल। मुझे so, मतलब मैं, मुझे बाद में बुरा भी लगा था, नहीं, मेरी चॉइस थी, आई वांटेड टू मीट यू। एक्चुअली मेरा दो तीन दिन थोड़े बिजी भी थे, तो पता नहीं हम मिल पाएंगे कि नहीं, पर आज एक मुलाकात हो गई, तो अभी हम बेशरम की तरह एक दूसरे के एक दूसरे के साथ बाद में अच्छे से बात कर सकते हैं। और यस सच में अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम मैं बिंदास आ जाऊंगी। मैं तो कह रही हूँ नेक्स्ट टाइम जब ही ये आएगी ये मेरे घर पे रुकेगी, अगर नहीं रुकी तो देख लेना। नहीं नहीं 100%, आज तो हमें होटल दिया था, ये देखो लाइट यूज करके हम स्टोरी निकाल रहे हैं। तो चलो अब ये मुझे होटल छोड़ के फिर घर पे चले जाएंगे। यस थैंक यू फॉर मीटिंग मी, थैंक यू, इट वॉज प्लेजर। मैंने बोला था मैं मसाज के लिए आई हूँ, सो हाय बेला, हाउ आर यू, हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड टू डू द मसाज थिंग, नीटली, या। एंड ये है जगह, बहुत ज्यादा प्यारी है, कोई भी देख के लाइक यही हो जाएगा, मैं मतलब यू नो जेलस थी, बिकॉज ये व्यू, सी थर्ड डे है आज मेरा न्यूयॉर्क में, एंड ये ब्लॉग का एंड है। सो यस मैं आपको बताती हूँ, आज धूप नहीं है रूम में ना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, दो दिन मस्त वेदर था यहाँ पे, बट इट्स ओके।
और जैसे कि अभी मैं पहले मैं बताती हूँ, आपने जो व्लॉग देखा मैं आई यहाँ पे थोड़ा घूमी, मैं अकेली थी, सो फिर अभी मेरे फ्रेंड्स बने कल सारे, और फिर उसके बाद आज मेरा सेशन है मसाज वाला, सो उनसे ही है वो सारी आइटनरी हमारी बनाई है। तो आज शाम को होगा लाइक हैप्पी आवर डिनर प्रॉपर रूफ टॉप एंड सारे उधर, हर जैसे कि ये इवेंट में सेटाफिल के इवेंट में पूरे कंट्री से सिर्फ दो दो लोग ही आए हैं, एंड उसमें से इंडिया से सिर्फ मैं और एक लड़की है वो आए है, सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट यू नो। एंड अच्छा है, कल का दिन अच्छा था, मैं बहुत लोगों से मिली ये वो, और अभी मैं जाऊंगी मसाज के लिए। देन शाम को तो आपको मैंने बोला कि क्या है हैप्पी आवर डिनर जो रूफ टॉप पे होगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में ये सारी चीजें आएंगी, मैं किन किन से मिली हूँ, नई नई लोग, गोरी गोरी लड़कियां, सो सारी मैं सारों को कैप्चर करूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड यस, जरूर नेक्स्ट व्लॉग देखना, क्योंकि आई नो ये वाला तो थोड़ा मेरा रूटीन वाला ही था, मेरा हाथ दुखने लगा, ये वाला तो मेरा रूटीन वाला ही था, बट यस मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वाला व्लॉग मैं ज्यादा अच्छा बना सकूं। एंड मैं जाने वाली हूँ कल न्यूयॉर्क फैशन वीक के बैक स्टेज पे भी, एंड अटेंड वीडियो सॉरी वो फैशन शो अटेंड करने के लिए भी, सो यू नो आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों को चाहिए, एंड आई एम द वन या और बस इतना ही बोलूंगी, ज्यादा हो गया। और तो मेरे रूम का व्यू तो आप लोगों ने देखा, इज सो ब्यूटीफुल, एंड चलो मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि मेरा 10 का टाइम है, तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, लव यू ऑल।